मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूं, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा, उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर, कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए, मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पर यह जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं, और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रही और उसी के लिए आज हमने अजीत साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आगे का पत्र। हो गया।
बहुत बढ़िया, सारे मजदूर एक तरफ हो जाओ। एक ही रोड लेके पेश हो गया। আপনি সোনামুড়া এসে সুস্বাদু খাবার খাবেন ভাবছেন, কিন্তু হোটেল খুঁজে পাচ্ছেন না? তাহলে আর ভাবনা নয়, চলে আসুন হোটেল ডায়নায়। এখানে আপনার পছন্দের সকল প্রকার সুস্বাদু খাবার পেয়ে যাবেন স্বল্প মূল্যে। আমাদের এখানে রয়েছে সবজি, মাছ, মাংস, ভাত, তাছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন সুস্বাদু বিরিয়ানি, তন্দুরি চিকেন, তন্দুরি রুটি। আমাদের ঠিকানা সোনামুড়া মধ্যবাজার, সোনামুড়া সিপাহী জলা, ত্রিপুরা। যোগাযোগ 6009383131 অথবা 9436178745। এছাড়াও রয়েছে হোম ডেলিভারির সুব্যবস্থা।